ज़कात का नसाब क्या है? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उनमें से जिसकी कीमत कम हो उस मकदार की रकम, उस पे एक साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर कोई ताखीर करता है तो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई एडवांस भी दे देता है तो ज़कात उसकी भी हो जाएगी कि 2 सालों की इकट्ठी ज़कात दे देता है तो ये भी जायज होगी कि उसने एडवांस ज़कात दे दी। अब ज़कात के मसारफ क्या है? ज़कात के मसारफ जो है वो 8 हैं। फकीर को ज़कात दी जाएगी। फकीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ना घर हो, ना मकान हो, ना उसके पास कोई ज़र हो, बस बिल्कुल खाली मखाली, ऐसा शख्स फकीर कहलाता है, तो इसको ज़कात दी जाए। दूसरा मसरफ मिस्कीन है। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास अपना जाती घर तो है और थोड़ा बहुत काम कारोबार भी है, बच्चों की रोटी रोजी भी चलती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वो निसाब की मिल्क तक पहुंचे, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इन दोनों में से किसी एक की कीमत उसके पास नहीं है, तो वो मिस्कीन कहलाएगा, तो वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। तीसरा रिकाब, यानी गुलाम को आजाद करने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपनी कीमत दे करके अपने आका से अपनी जान छुड़ा ले। और चौथा गारम, गारम वो है जो कर्जे तले दब गया है और उसके पास कर्जा उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो उस मकरूज का कर्ज उतारने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है। पांचवा शख्स फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में निकला हुआ है, जो मदारसे दीनिया के तलबा है वो भी जुमरे में आते हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। और छठा शख्स इब्नुस्सबील, मुसाफिर, मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है अगरचे वो मालदार है लेकिन जब वो सफर में आया तो उसके पास कुछ नहीं है, तो अब वो जरूरतमंद हो गया, माल तो उसके इलाके में है, तो अब उसको ज़कात से आप मदद कर सकते हैं। और सातवां मसरफ आमिल, जो हुकूमत की तरफ से ज़कात इकट्ठी करने पे मामूर हो, तो बाकायदा उसकी तनख्वाह भी ज़कात की रकम से दी जाएगी। आठवां मसरफ ज़कात का वो लोग हैं जिनके बारे में ये गुमान हो कि वो इस्लाम ले आएंगे, तो उनकी दिलजोई करके उनको ज़कात की रकम भी दे सकते हैं ताकि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, लेकिन अब इस्लाम गालिब हो गया तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह अकबर। तो ये 40वां हिस्सा है ज़कात का, यानी 100 में से 2.5 रुपए राह खुदा में। इन मसारफ में सबको बांट कर भी दिए जा सकते हैं, किसी एक मसरफ को भी दिए जा सकते हैं। हजरत शेख अहमद मुजद्दद अल्फ़ सानी अलैहि रहमा मक्तूबात में लिखते हैं, जब दीन का इन्हिदाम हो रहा हो, जब दीन की कदरें पामाल हो रही हो, तो उस जमाने में राह दीन में एक दांग खर्च करना, एक पाई खर्च करना दीगर मद्दात में लाखों रुपए खर्च करने से अफजल है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं कसम उठा के, रब की कसम उठा के मैं कहता हूं, एक तो मेरा कहना काफी है, फिर मैं मोहम्मद रब की कसम उठाऊं तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। फरमाया, मैं मोहम्मद रब की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता। तुम्हारा अकाउंटेंट कहता है कि इतने कम हो गए, तुम्हारा कैलकुलेटर हिसाब देता है कि इतने कम हो गए, लेकिन तुम्हारा रसूल कहता है कसम है नहीं कम होंगे। अब जिसने तजर्बा करना हो वो तजर्बा करके देख ले, खुदा की राह में दिया गया कभी भी कम नहीं होता, सदके से माल बढ़ता है, माल में इजाफा होता है, माल में बरकत होती है। इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करो, नफली तौर पर भी खर्च करो और जो वजूबी सदकात हैं उनको भी अदा करो ताकि मवाल पाक हो जाएं, सुथरे हो जाएं।